Hello everyone, this is Sheikh Sofyan, a career counselor, coach, host, and your host. Once again, I came back with a new career topic, which we are going to talk about career in mass communication sector. Before moving on, you have to subscribe to the channel, like and share, so that people and students will get to know about this career field and they can flourish into it. Now, if you want to do this career in mass communication, there are a lot of career options available. So, उसके अंदर चलने का आपको कुछ मैं आपको करियर ऑप्शंस और करियर प्रोस्पेक्ट्स बताता हूँ, जैसे कि आप बन सकते हो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, या फिर आप बन सकते हो एक एंकर, या फिर आप बन सकते हो जर्नलिस्ट, या फिर आप बन सकते हो कंटेंट राइटर, या फिर आप बन सकते हो मीडिया प्रोग्रामर, और मुख्तलिफ बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल है, करियर प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे कि हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की, तो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हेल्प करता है ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए। वो मीडिया आर्टिकल्स, प्रेस रिलीजेस, कंटेंट्स और जो भी थर्ड पार्टी प्लेसमेंट होते हैं, मीडिया प्लेसमेंट, मीडिया आर्टिकल्स होती है, इन सारों का जो ओवरसी करता है टू इम्बेड द और टू इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ दैट ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के बारे में। तो ये जो करता है दैट इज द पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है। उसके अलावा हम बात करें कि एंकर, मतलब एंकरिंग करना, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंस न्यूज देखते हो आप, तो न्यूज के अंदर जो एंकरिंग करता है, जो बात करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बैठा हूँ आपको, आपके सामने जो भी मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, या इंफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज हो सकती है, कोई भी चीज होती है, तो ये एंकरिंग होती है ना, राइट। सो न्यूज चैनल के ऊपर जो एंकरिंग एंकर जो रहते हैं, जो पर्सन होता है जो कि टीवी के सामने आकर बोलता है दैट इज अ न्यूज, दिस इज अ न्यूज एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन, ऑल दोस थिंग, दैट इज द एंकर। इसके अलावा ऑनलाइन भी हो सकते हैं एंकर, ऑफलाइन में भी वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहां पर भी एंकरिंग करना बहुत जरूरी होती है, होस्टिंग करना भी बहुत जरूरी होती है, तो दैट इज ऑल्सो द ऑफलाइन में भी हो सकता है, ऑनलाइन में भी हो सकता है। बहुत सारे टाइम में आपको इंटरव्यूज, गेस्ट इंटरव्यूज आपको कंडक्ट करना पड़ता है, तो वहां पर भी एंकर की जरूरत गिरती है, तो ये सारे चीजें एंकर करता है। उसके अलावा आप बन सकते हो एक जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मतलब न्यूज, इंफॉर्मेशन, पब्लिक ओपिनियन जो होती है ग्राउंड फील्ड से कलेक्ट कर लाना, उसको फॉर्मेट में बराबर कलेक्ट करके स्टोर करके और बाद में रिपोर्ट करना फॉर द मीडिया डिपार्टमेंट, जो वर्क करता है दैट इज द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का काम ये होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू गैदर द इंफॉर्मेशन, पब्लिक ओपिनियंस, आर्टिकल्स, जितने भी चीजें हमको फीचर करना है उन सारों का जो डिटेल्स रहता है, डेटा होता है, वो कलेक्ट कर मीडिया डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करके देता है, दैट इज अ जर्नलिस्ट होता है। उसके अलावा हम बात करें कि कॉन्टेंट राइटर की, तो कॉन्टेंट राइटर मतलब जो कि राइटिंग करता है, राइट फ्रॉम द प्रेस रिलीजेस हो, चाहे वो कोई भी आर्टिकल्स हो, ब्लॉग देखते होंगे बहुत सारे जो कि राइटिंग फॉर्मेट में होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं, या फिर आप मैगजीन्स देखते होंगे, बहुत सारे रिटन फॉर्मेट में होते हैं, राइट, जो प्रिंटेड फॉर्मेट में होते हैं, जिसको कंटेंट कहते हैं, जो कि कंटेंट की राइटर राइटिंग जो करता है दैट इज द कंटेंट राइटर होता है। उसके अलावा कि आप बन सकते हो एक मीडिया प्रोग्रामर। मीडिया प्रोग्रामर मतलब जो कि मीडिया रिलेटेड चीजों के प्रोग्रामिंग करता है, डिजाइनिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल वीडियोस हो, पिक्चर्स हो, साउंड्स हो, ग्राफिक्स हो, या फिर आपके एनिमेटेड चीजें, एनिमेटेड वीडियोस, पिक्चर्स हो, या फिर आपके वीडियो क्लिप्स हो, या फिर वर्चुअल रियलिटी हो, और बहुत सारे अलग अलग चीजें, एनिमेशन भी आते हैं बहुत सारे, वो कार्टून्स भी आते हैं, ये सारों का जो चीजें का जो प्रोग्रामिंग करता है दैट इज मीडिया प्रोग्रामर होता है। और इसके अलावा ये मीडिया प्रोग्रामर के वर्क होता है। और इसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैंने चंद एक कुछ ऑप्शंस बताए, आपको लगता है कि मैं डिटेल में बात करूँ मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस के बारे में, डिटेल में बात करूँ करियर इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, या फिर कोर्सेस के बारे में, डिफरेंट चीजों के बारे में इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ज्यादा मैं कवर करूंगा इस टॉपिक रिलेटेड विद द मास कम्युनिकेशन। तो आपको बोनस टिप के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज, वीडियोस और कॉलेजेस के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में लिंक दे चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है, सो दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट दिस करियर फील्ड एंड दे कैन फ्लरिश इनटू इट, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से बेनिफिट ले सके, उसके लिए आपको शेयर करना है। ऐसे अमेजिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।